उसी बीच आपको वाराणसी से खबर बता देते हैं। वाराणसी से खबर, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई टली। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने 20 जुलाई तय की है अगली सुनवाई की तारीख। भगवान अविमुक्तेश्वर विराजमान की याचिका पर सुनवाई टली। 20 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुलाया। वाराणसी से खबर, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई टले। कोर्ट ने 20 जुलाई तय की है अगली सुनवाई की तारीख, यानी कि कल होगी सुनवाई। भगवान अविमुक्तेश्वर विराजमान की याचिका पर सुनवाई टली। 20 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि आज जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई टल गई है, कल होगी सुनवाई। 20 जुलाई को होगी सुनवाई। वाराणसी से खबर, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई टली। कोर्ट ने 20 जुलाई तय की अगली सुनवाई की तारीख। जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुलाया। वाराणसी से खबर, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई टली। कोर्ट ने 20 जुलाई तय की है अगली सुनवाई की तारीख। भगवान अविमुक्तेश्वर विराजमान की याचिका पर सुनवाई टली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी फिर हमारे संवाददाता सोनाली वाटवा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सोनाली, क्या कुछ जानकारी है? आज जो सुनवाई होने वाली थी अब वो सुनवाई कल होगी। ये आपको बता दें कि आज जो सुनवाई थी वो भगवान अविमुक्तेश्वर नंद विराजमान को लेकर थी, जो 2 बजे के कल भी सुनवाई हुई थी। कल 2 बजे ही फैसला आने वाला था, फैसला सुरक्षित रख दिया गया था, पर आज भी इस पे सुनवाई हुई है। और 20 जुलाई मतलब कल का जो समय है वो निर्धारित किया गया है मुकदमे का, और कल का फैसला आने वाला है वो कल ही पता चलेगा। पर अभी और आपको यह भी अपडेट दे दे कि श्रृंगार ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी को लेके जो नियमित पूजा दर्शन अर्चना करने की जो सुनवाई है वो अभी भी कोर्ट में चल रही है। विंदु पक्ष की तरफ से जो अधिवक्ता है वो अपना पक्ष इस वक्त रख रहे हैं। पर बात की जाए भगवान अविमुक्तेश्वर नंद विराजमान की, तो उनका जो सुनवाई वो कल होने वाली है। जी ठीक है सोनाली, कब तक होगी ये सुनवाई कल, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बता दें कि जो ये सुनवाई है अविमुक्तेश्वर विराजमान को लेकर, साफ तौर पे जहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुई है ज्ञानवापी परिसर के अंदर, वहाँ पे नियमित पूजा अर्चना करने की मांग को लेकर यह सुनवाई को दाखिल की गई थी। कल 2 बजे करीब इसकी सुनवाई फिर से शुरुआत होगी। जी ठीक है सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि कोर्ट ने 20 जुलाई तय की है अगली सुनवाई की तारीख, यानी कि कल होगी इस पर सुनवाई। 20 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुलाया, आज सुनवाई होनी थी जिसे टाल दिया गया है, कल की तारीख जो है सुनिश्चित की गई है। आपको बता दें कि फैसला सुरक्षित रखा गया है, कल फैसला आ सकता है। कोर्ट ने 20 जुलाई तय की है अगली तारीख सुनवाई की। भगवान अविमुक्तेश्वर विराजमान की याचिका पर सुनवाई टली है।